नमस्कार सीताराम, जय श्री राम। भाई कहाँ से आया? अरे फ्रेंड्स, क्या है, सोयाबीन और खीरा ले लिए है। हेलो फ्रेंड्स, सुधीर ड्राइवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं या उड़ीसा भुवनेश्वर में, आज मेरे को चौथा दिन हो गया गोदरेज कंपनी में। कंपनी अनलोड नहीं कर रही, कंपनी वाले के पास जा रहे लेकिन कंपनी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं बहुत यहाँ पे दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, इसी में 19-20 करके चलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अभी सुबह उठे थे, गए फ्रेश व्रेश होकर आ गए। और फ्रेंड्स क्या है, बगल में इधर क्या है, मतलब एक खीरा का मतलब खेत भी है, वहाँ बगल में ताजा खीरा, देसी खीरा बिकता है। तो फ्रेंड्स आज मेरा विचार हो रहा है, आज खीरा खाने के, उस दिन भी लाए थे तो बहुत अच्छी लगी थी, तो आज मुझे फिर हो रहा है आज लाने का। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, कुछ खीरा उड़ा, कुछ सब्जी वगैरह पसंद आएगा तो लेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या बिकी जी, कैसा रहेगा? चले जाए, अब गाड़ी लॉक कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल गाड़ी लॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं वहां से चल के आया, गोदरेज के गेट से बाहर निकले तो फ्रेंड्स ऑलरेडी यहां पर देखे, जो सामने जो नारियल का ऊपर से पेड़ के जो झोपड़ी बना हुआ है, ये फ्रेंड्स यहीं पे मतलब छोटा सा टपरी है और यहाँ पर मतलब ताजा खीरा बिकता है। और फ्रेंड्स क्या है, बगल में मतलब खीरा का खेती होता है, वहाँ पीछे में पूरा मस्त मस्त हरा भरा मतलब सब्जी का भी खेती होता है और प्लस में ताज़ा ताज़ा खीरा भी। तो फ्रेंड्स मेरा विचार हुआ कि यहाँ से खीरा लिया जाए और जितना पे यहाँ काम करने वाले भाई लोग हैं सब यहीं पे इसी में खीरा तोड़ तोड़ के और यहाँ ला के बेचते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि चलो आधा किलो खीरा लिया जाए। तो फ्रेंड्स मैं अभी ऑलरेडी मार्केट में गए थे तो एक खीरा लेके आ गए हैं। और फ्रेंड्स क्या है, वहाँ पे कोई सब्जी वगैरह पसंद पर नहीं पड़ा, भिंडी था तो भिंडी की सब्जी उतना इंटरेस्ट नहीं आया, इसलिए फ्रेंड्स क्या है सोयाबीन और खीरा ले लिए हैं। और फ्रेंड्स और गाड़ी के पास अभी पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, इधर से थोड़ा निकलेंगे। क्या फ्रेंड्स, बिक्की जी वीडियो के कैंसिल कर दी क्या? आई आई नजदीक आए संदीप जी। अरे तो फ्रेंड्स मैं अभी और लेडीज पूरा सामान नीचे उतार ले, जो खाना बनाने का आइटम होता है जैसे अपना आलू हो गया, प्याज, टमाटर, मिर्ची सब उतार लिया और पानी भी था, दो बाल्टी पानी लेके आ गए। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम चावल को सबसे पहले लेके धोएंगे, उसके बाद फिर गैस चालू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा ये दोस्त है संदीप तिवारी, जो भास्कर लॉजिस्टिक्स में गाड़ी चलाते थे 2018 में, हम भी इनके साथ चला करते थे। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, तब से बिछड़े से अभी तक नहीं मिले, अभी तक अभी मिले हैं फ्रेंड्स, वो भी गोदरेज कंपनी में, वो भी मंडी से भर के आए थे, मैं भी मंडी से भर के आए थे, तो यहाँ पर मुलाकात हुआ। तो फ्रेंड्स मम्मी भी ज़्यादा खुशी हुआ और फ्रेंड्स क्या है, मैं अभी वीडियोज़ करने लगा तो ये मेरे को वीडियो देख के और खुशी हुए, तो मेरे को इनको भी काफ़ी खुशी मिला। तो फ्रेंड्स अभी हम खाना बना, मैं ऑलरेडी अभी चावल धो दिया हूँ इन पानी से, फिर भी गंदा निकल रहा है, क्या बताए फ्रेंड्स, चावल उतना क्लीन नहीं, फिर भी इसी चावल को खाना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा बाजार आप बहुत दूर है, छोटा मोटा गांव से चावल लेके आए तो ये चावल मिला है, इसी चावल को भी फिलहाल बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं चावल धो। नमस्कार सीताराम, जय श्री राम। भाई कहाँ से आया?
हम लोग बिहार से। बिहार से आपका मुख्यमंत्री का नाम? नीतीश कुमार। हमारा नवीन पटनायक। हाँ, हमारा ओडिशा का। नीतीश कुमार जैसा है हमारा नवीन बाबू ऐसा है, पूरा अच्छा आदमी है। हाँ, ये दिल्ली में जो ये हमारा मोदी जैसा, यहाँ नवीन ऐसा, योगी सरकार। हाँ, योगी सरकार और वही दे आए, ये तो जय श्री राम का आदमी है। हाँ, पूरा बढ़िया आदमी, योगी और नीतीश बाबू, नवीन बाबू, मोदी बाबू, ये चार बहुत अच्छा आदमी, ये जुग जुग के रहेगा ऐसा। ऐसा ही सब हो रहा है। हाँ हाँ, एक कोई नहीं आएगा, वही चार आदमी रहेगा, नवीन जी, मोदी जी, योगी जी और नीतीश जी, बस इतना रहेगा। और कोई नहीं आएगा, जो अच्छा काम करे वही आएगा ना। जो तो अच्छा काम कर रहे वही आएगा। मोदी जी बहुत अच्छा है, योगी जी अच्छा है, नीतीश भी अच्छा है, हमारा नवीन भी अच्छा है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होने के लिए देश सुरखुर चलेगा, कोई बात नहीं। अपना रोड का भी देख रहे कितना। हाँ, सब अच्छा है, पूरा पानी जैसा रोड हो गया पूरा हिंदुस्तान में। कोई क्या बोलेगा, बोलने के लिए कुछ नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा। अभी भुवनेश्वर में मैं देखा बस स्टैंड बन रहा, इतना लाजवाब पूरा सब बढ़िया हुआ, बस स्टैंड, रोड और थिएटर सब पूरा ठीक है, अभी कोई बात नहीं। ओडिशा का मतलब बिल्कुल? हाँ, ओडिशा पूरा चकाचक है। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑलरेडी लगता है चावल मेरा फाइनल हो गया। अब मैं चावल थोड़ा जाती डाल दिए हैं क्योंकि आज मेरा दोस्त भी आ गया है, और दोस्त आने की वजह से थोड़ा चावल भी ज़्यादा डाल दिए, और जिसको साल लगता मेरा हो गया छोटा पतीला होने की वजह से चावल ज़्यादा हो गया। तो देखते हैं पसाने की उसको थोड़ा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी दाल धो चुका हूँ, और ऐसे मतलब 6-7 गो आलू है, सोचा इसको डाल दूंगा तो इसको क्या चोखा काम आएगा। तो आलू बड़ा बड़ा है तो सोचा इसको काट देंगे तो सर जल्दी पक जाएगा, इसको कटिंग करके डाल देते हैं। गैस चालू करके दाल चढ़ा दी है। अब मैं सोच रहा हूँ दाल में अपना हल्दी और तेल और नमक अभी डाल देने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सब चांस में अभी डालने की कोशिश करूंगा। फिर सबसे पहले नमक डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑलरेडी आलू लगता है मेरा सिझ गया है, तो इतना आलू निकाल के देखे तो सिझ गया, और बस थोड़ा और बची है 2-3 पीस। अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे आलू को। तो फ्रेंड्स, मेरा फाइनली दाल हो चुकी है अभी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी मेरा ऑलरेडी दाल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस दाल को थोड़ा फ्राई कर दिया जाए ताकि इसमें और काफ़ी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास पतीला न होने की वजह से मैं थोड़ा टेंशन में थे, तो वो संदीप उस्ताद जी बोला ठीक है जाओ, मेरे गाड़ी में पतीला है और पतीला लेके आ जाओ और अच्छा से दाल फ्राई करो। तो उनके गाड़ी से मैं पतीला लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या है मतलब जो भी फ्राई करने का जो आइटम होता है अपना, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची, टमाटर, वो सब चीज़ काट लिए हैं। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स, मैं सोचा चलो अब तेल डालते थे, तेल डाल दिया, तेल मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो मैं सोचा चलो सबसे पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद फिर जो भी फ्राई करने का आइटम होता है धीरे धीरे डालेंगे, तब तक मेरा तेल पूरा गर्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा ऑलरेडी अभी मेरा पूरा तेल गर्म पूरा हीट हो गया, जीरा डालते पूरा एकदम काला पड़ गया। तो फ्रेंड्स, मैं सोचा चलो अब धीरे धीरे सब आइटम डाला जाए, प्याज मिर्ची सब धीरे धीरे डाला जाए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी मेरा फ्राई हो मतलब ये प्याज भुजा चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसमें दाल पलटी मारूंगा। तो फ्रेंड्स, दाल पलटी मारूंगा तो काफ़ी मेरा वो
तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी दाल फ्राई हो गया, तो फ्रेंड्स मैं सोचा आप चलो चोखा बनाया जाए। तो ये गैस पर टमाटर पका रहे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टमाटर को मतलब पका करके उसको छील करके फिर उसके बाद आलू के साथ में उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद पूरा चूरेंगे। चूरने के बाद इसमें फिर फ्रेंड्स थोड़ा तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद मिर्ची डालेंगे, मिर्ची डालने के बाद फिर फ्रेंड्स क्या पूरा इसको मत के पूरा चोखा बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा ऑलरेडी सब कुछ बन के रेडी हो गया। तो हम लोग सब आदमी चावल निकाल दिए प्लेट में, अब सोचे चलो दाल मिक्स करके अब सब लोग बैठ के खाना खाया जाए। तो हम लोग सब उस्ताद लोग साथ में बैठे हैं और अब खाना खाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर बताएंगे कैसे। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी अभी सब साथी भाई लोग निकाल लिए, अब खाने के स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर खाने का काफ़ी टेस्टी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी खुशी मिली, और चोखा भी इंटरेस्ट दे दिया और दाल भी इंटरेस्ट दे दिया, दाल जो फ्राई कर दिया जो और ज़्यादा खुशी मिल गई, मुझे बहुत खुशी हो गई। और अब भाई लोग को भी बहुत